हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं बेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन के सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। जैसा कि सेट बी का अभ्यास वन है, मैं सेट ए से लेते 10 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। इस तरह से 15 से 16 सेट हैं, प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं। इस प्रकार 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस आपके हैं, जो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितने भी आपने नोट्स बनाया है, थ्योरी सेशन पढ़ा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MPTET हो, चाहे अदर स्टेट का TGT PGT हो, सभी के लिए सभी प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो पूरा देखिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थ में संतुलित आहार के सभी तत्व पोषक तत्व होते हैं? दोस्तों, ऐसे तो संपूर्ण आहार दूध को बोला जाता है, सभी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं, इसलिए उसको संपूर्ण आहार बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दूध नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका मछली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वास्थ्य से संबंधित अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा कौन सी है? तो वह है रिलीजियस की अवधारणा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से वृद्धावस्था में आंखों में कौन सा रोग होने की संभावना बनी रहती है? तो दोस्तों, वृद्धावस्था में मोतियाबिंद हो जाती है। मोतियाबिंद होता कैसे है? जो हमारे आंखों का लेंस होता है, उस पर सफ़ेद परत हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे सफ़ेद परत बन जाने से लेंस में हमको जो है धुंधला दिखाई देता है, इसलिए उसको मोतियाबिंद कहते हैं। और एक होता है काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद में लेंस पर काला परत जम जाता है, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पूरा अंधा हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की वसा का प्रतिशत मापा जाता है? तो दोस्तों, शरीर की वसा यानी कि मोटापा मापा जाता है आपका स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में लंबी हड्डियां किस प्रकार का कार्य करती है? तो मानव शरीर में लंबी हड्डियां लीवर यानी कि उत्तोलक का कार्य करती हैं। जैसे कि दोस्तों, उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने आपको कई बार ट्रिक बताया है उत्तोलक के लिए, FAR आप अब यहाँ पर लिख देंगे 312, यानी कि ए के नीचे आपका 1 है, यानी कि फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस जो है बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस की, और इसको संतुलन का लीवर कहते हैं फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक को। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आर के नीचे आपका 2 है, यानी कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आर यानी कि रेसिस्टेंस यानी भार जो है बीच में होगा फोर्स और एक्सिस के। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक यानी एफ के नीचे 3 है, यानी कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में होगा एक्सिस और रेसिस्टेंस के। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक को हम संतुलन का लीवर कहते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर कहते हैं, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का लीवर यानी गति का उत्तोलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशीय संकुचन के दौरान मांसपेशीय परिमाण में कोई अंतर न आए तो यह संकुचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जब मांसपेशी संकुचन में कोई परिणाम ना आए, लंबाई एक सा बना रहे और उसमें कोई प्रत्यक्ष गति न दिखाई देता हो, कोई कार्य होता दिखाई न दिया देता हो, मांसपेशी की लंबाई सेम हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, आइसोमेट्रिक संकुचन। जैसे कि दोस्तों, स्ट्रेंथ यानी शक्ति को डेवलप करने की 3 विधियाँ हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन। तो आइसोटोनिक जो होता है, इसकी खोज ली डोने ने 1953 में किया था। उसमें क्या होता है, आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव होता है आइसोटोनिक में, बट उस आइसोटोनिक में पेशियां का लंबाई और पेशियाँ जो है छोटी बड़ी होती है। जैसे कि डंबल्स का अभ्यास कर सकते हैं, आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो छोटा होगा, फिर वापस आएंगे तो बड़ा होगा, यानी तो यहाँ पे आपका जैसे केलस्थनी व्यायाम, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बाथ थ्रू आइसोटोनिक में आएगा। दूसरा आपका है आइसोमेट्रिक
कंट्रैक्शन, जिसकी खोज हेटिंगर और मूलर ने 1954 में किया था। आइसोमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई, जिसमें कोई लंबाई का परिवर्तन नहीं होता, कार्य होता दिखाई नहीं देता, लंबाई सेम होती है, नो परिवर्तन, स्थिर अवस्था होती है, जैसे दीवार को धक्का मारना, ठीक है। एंड तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसकी खोज 1968 में जेम्स ब्रायन ने किया था। इसमें सेम गति होता है, ठीक है, मशीनों की सहायता से इसको किया जाता है, जैसे पानी वाले खेलों में, जैसे कि रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि। नेक्स्ट दोस्तों, पहली बार किस ओलंपिक में खेल गांव बनाए गए? तो 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाया गया था। नेक्स्ट है हृदय दर यानी हार्ट रेट और स्ट्रोक वैल्यू के अभ्यास के दौरान बढ़ जाने से निम्न में से क्या परिणाम होंगे? यानी कहने का तात्पर्य है कि अभ्यास के दौरान जो है हमारा हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम यदि बढ़ जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, जब हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट जो है वह भी बढ़ जाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। हार्ट रेट आपका 72 होता है नॉर्मल स्टेज में, और स्ट्रोक वैल्यू यानी कि हृदय के द्वारा एक बार में जितना रक्त शरीर की तरफ भेजा जाता है उसको स्ट्रोक वैल्यू कहते हैं, वो आपका 70 होता है, हार्ट रेट 72 होता है, ठीक, नॉर्मली स्थिति में। जो उसके बाद जो कार्डियक आउटपुट होता है, एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना रक्त शरीर की तरफ पंप किया जाता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो स्ट्रोक वैल्यू और कार्डियक आउटपुट दोनों में आप डिफरेंट समझेंगे कि एक धड़कन में जितना रक्त हृदय के द्वारा शरीर की तरफ भेजा जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और एक मिनट में जितना रक्त शरीर के द्वारा हृदय के बाएं नीले के द्वारा भेजा जाता है शरीर की तरफ उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट आपका होता है 72 एंड स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका 70, दोनों का आप गुणा करेंगे तो 5040 ml आ जाएगा, ठीक है। 5040 ml का मतलब होता है 5.04 लीटर, ठीक है। इस प्रकार हम कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो 5.04 लीटर, ठीक है, 5 लीटर के बराबर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट जो है अभ्यास के दौरान बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो होता है आपका, जो कार्बोहाइड्रेट होता है 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है, और प्रोटीन भी 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि वसा जो है यानी कि जो लिपिड होता है, फैट होता है, वह 1 ग्राम में 9.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो आपका वसा देता है, फैट देता है, और सबसे जल्दी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाया जाता है। हम अपने शरीर के लिए कम से कम 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, और 20 से 25% हम यूज करते हैं वसा का, 10 से 15% प्रोटीन का। तो सबसे ज़्यादा हम तो कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो मिलता है हमको वसा से, फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट की जल्दी ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचता है और जल्दी हमको ऊर्जा देता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज हम अपने आहार में करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें वसा कौन है, वसा किस में टूट करके ऊर्जा प्रदान करता है, तो फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड में। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट दोस्तों, मोहन एक मिनट में आराम की अवस्था में 5 लीटर ऑक्सीजन ग्रहित करता है, तथा मोहन अभ्यास के पश्चात क्षतिपूर्ति काल में 8 लीटर ऑक्सीजन ग्रहित करता है, यह अतिरिक्त जो 3 लीटर ऑक्सीजन है यह क्या कहलाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि मोहन जो है आराम, जब आराम की स्थिति में होता है तो वो 5 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और फिर वो कोई अभ्यास करता है, अभ्यास के तुरंत बाद क्षतिपूर्ति यानी रिकवरी के समय वो 8 लीटर ऊर्जा ग्रहण करता है, जो यह 3 लीटर अतिरिक्त ऑक्सीजन
जो है क्या कहलाएगी। तो दोस्तों ये 3 लीटर जो अतिरिक्त ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऋण यानी कि ऑक्सीजन डेप्ट कहलाएगी। ऑक्सीजन ऋण होता क्या है दोस्तों, जब हम कोई अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की हो जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। जब हम जैसे कि जैसे आप दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते आप एक स्टेज ऐसा आता है कि थक जाते हैं, थकने के बाद आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि आप और दौड़ सके, तो आप हाँफने लगते हैं, तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए आप जल्दी जल्दी सांस लेकर के रिकवरी के समय उसको पूरा करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन कर्ज लेते हैं एक प्रकार से। तो जल्दी जल्दी हम सांस लेकर के जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो जितना हम नॉर्मल स्टेज में हम लेते हैं ऑक्सीजन उससे कहीं ज़्यादा ही लेते हैं। तो जो 3 लीटर आपका ऑक्सीजन लिया गया रिकवरी पीरियड में वही आपका ऑक्सीजन ऋण हो गया, यानी कि हम ऋण लिए थे, इसको ऑक्सीजन ऋण या ऑक्सीजन है। निम्न में से एक मुकाबले को मुक्केबाज को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मुक्केबाज को हम पुगलिस्ट बोलते हैं, बास्केटबॉल खिलाड़ी को केजर्स बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से एंकर रनर किसे कहा जाता है दोस्तों, जो है रिले रेस टीम के आखिरी धावक को हम एंकर रनर बोलते हैं। नेक्स्ट है किस शैली द्वारा एक तैराक तेजी से तैराकी कर सकता है, तो वो होता है फ्री स्टाइल। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सबसे तेज तैरने की जो तकनीक है वो फ्री स्टाइल होता है। जैसे कि तैराकी प्रतियोगिता में 4 प्रकार के टेक्निक होते हैं, फ्री स्टाइल जिसे क्रॉल स्ट्रोक भी बोला जाता है, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, लेकिन इसमें सबसे तेज तकनीक कौन है, फ्री स्टाइल। उसके बाद क्रम से आपका बटरफ्लाई है, फिर उसके बाद बैक स्ट्रोक है, फिर उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक का नंबर आता है। नेक्स्ट दोस्तों फोर्टलेग से क्या विकसित होता है, तो फोर्टलेग प्रशिक्षण से जो है एंड्योरेंस डेवलप होता है, यानी सहनशीलता। यह आपका कॉन्टिन्यूस मेथड में आता है। सहनशीलता को विकसित करने की आपका 4 विधियां होती है, कॉन्टिन्यूस, इंटरवल, रिपीटेशन, कॉम्पिटिशन। तो कॉन्टिन्यूस मेथड जो है इसकी खोज 1920 में अर्नेस्ट महोदय ने किया था, अर्नेस्ट वी आकेन ने, और यह इंडोरेंस डेवलप करता है जहाँ पे लगातार शब्द आ जाए, कॉन्टिन्यूस शब्द आ जाए, आप समझिएगा कॉन्टिन्यूस मतलब देर तक कार्य, यानी वहाँ पे इंडोरेंस डेवलप होगा। कॉन्टिन्यूस को डेवलप करने की 4 विधियां हैं, स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड, वेरिएबल पेस मेथड, फोर्टलेग मेथड। फोर्टलेग मेथड 1937 में गोस्टाव होमलर ने इसकी खोज किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था एंड्योरेंस डेवलप करना। इसके स्वीडिश शब्द है फोर्टलेग, इसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये पूछता है कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के किया जाता है, ठीक है, बिना प्रॉपर प्लानिंग तरीके से तीव्र गति से, मंद व तीव्र गति से किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिना प्रॉपर प्लानिंग से कौन सा आपका ट्रेनिंग किया जाता है, तो फोर्टलेग मेथड, फोर्टलेग ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। यह जो है अलग अलग क्षेत्रों पर भाग कर ट्रेनिंग करके एथलेटिक की एंड्योरेंस को डेवलप किया जाता है, जैसे कि पहाड़ों, नदियों के किनारे, रेतीले इलाकों में भागना, बालू में, कीचड़ में, जंगलों में, चढ़ाई और ढलान पर एक क्रियान्वित किया जाता है, वॉकिंग, सैंड रनिंग आदि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है दोस्तों, तो यहाँ भी आपका वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम काम करेगा, लाइपेज। हमारे पैंक्रियाज में जो है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सभी एंजाइम्स स्थापित होती हैं। तो जो अमाइलेज होता है आपका, ये अमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है आपका यह वसा का पाचन करता है, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में बदलता है। एंड जो आपका ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन को अमीनो एसिड या पेप्टोन में बदलता है, ठीक है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है ट्रिप्सिन, ठीक है। और ये रेनिन जो है दूध का पाचन करता है, दूध को कैसी में बदलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एक छोटे बच्चे के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा सामान्य से अधिक की जानी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके छोटे बच्चों को, क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर निर्माण का कार्य करता है और कार्बोहाइड्रेट वसा जो है ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है सबसे पहला SIS मार्क किस पर लगाया गया था,
तो वह सबसे पहला SIS मार्क जो है वह तिरंगे पर लगाया गया था। SIS का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी इसको 1955 में बनाया गया था। अब इसका नाम बदल करके 1987 में BIS हो गया है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से हैदराबाद में क्या स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में आपका निन स्थित है। निन का मतलब होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये हैदराबाद में स्थित है। इसने संतुलित आहार की परिभाषा दिया है कि संतुलित आहार से अभिप्राय ऐसे भोज्य पदार्थों से है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड मिनरल्स निश्चित अनुपात में मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग की जांच के लिए शरीर के निम्न में से किन पदार्थों का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें मूत्र यानी यूरिन का परीक्षण किया जाता है। अगर इससे भी पता नहीं चलता तो रक्त का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामक तकनीक का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो यह डोपिंग की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण शारीरिक शिक्षा की फिजियोलॉजी लैब में नहीं आता है? तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, लैक्टिक एसिड एनालाइजर आता है, बट स्टीरियोमीटर नहीं आता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो स्टेथोस्कोप है हार्ट रेट को मेजर करता है, स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वह आपको ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, स्टीरियोमीटर शरीर की लंबाई मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में किस राष्ट्र अध्यक्ष ने और किस खिलाड़ी को गले में पदक पहनने से मना कर दिया था? वो था 1936 बर्लिन ओलंपिक में हिटलर ने जेसी ओवेंस को पदक पहनने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन खेलों को कौन सी संस्था संचालित करती है? तो दोस्तों एशियन खेल को OCA संचालित करती है। OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका गठन 1982 में किया गया था। इसका मुख्यालय कुवैत के शहर हवाली में है। नेक्स्ट है, वह कौन सा पदार्थ होता है जिसमें सभी विटामिन्स व मिनरल्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो होता है दूध, जिसे संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो दोस्तों हमारे अमाशय यानी स्टोमक से निकलने वाला, स्त्रावित होने वाला एंजाइम होता है रेनिन, जो दूध को कैसीन में बदलकर दूध को पचाता है। नेक्स्ट है, KD जाधव ने किस ओलंपिक तथा किस देश में भारत के लिए एकल स्पर्धा में पहला पदक अर्जित किया था? तो वो था 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, इन्होंने कुश्ती में भारत के लिए एकल स्पर्धा में पहला पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, एक टेस्ट क्रिकेट में मैच में एक ओवर में कितनी बाउंसर होता है? तो दो बाउंसर होता है। नेक्स्ट है, ओलंपिया नामक शहर किस देश में स्थित है? तो यह ग्रीस में स्थित है, यानी यूनान में, जिसमें प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 तक हुआ था, और प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 1896 ग्रीस यानी एथेंस में, यूनान के एथेंस शहर में ओलंपिया में पैनाथोनिक स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, शॉर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वह बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है? तो महिलाओं के लिए भाले का भार 600 ग्राम और पुरुषों के लिए 800 ग्राम होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अपेंडिक्स नामक शारीरिक अंग मानव शरीर के लिए आदिकाल में क्या कार्य करता था? दोस्तों यह मानव शरीर में आदिकाल में अपेंडिक्स जो है कच्चे भोजन को पचाने में मदद करता था, खासकर सेलुलोज को। दोस्तों यह आपके बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के जो जहाँ पे आपका छोटी आंत
बड़ी आंत से मिलती है, वहीं पे पूंछ जैसा एक आकृति होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। वह प्राचीन काल में कच्चे भोजन को पचाने में मदद करता था, बट आज के समय में वह लुप्त हो गया है। नेक्स्ट है, हमारा रक्त अशुद्ध यानी कि डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इस ऑप्शन के अनुसार जो है आपका अशुद्ध रक्त जो है कहाँ पे होता है, तो जैसे कि शिरा में होता है और शिरा यानी कि वेन में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुसी धमनी जो पल्मोनरी धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि आप जानते हैं कि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुसी शिरा पल्मोनरी शिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गोनियोमीटर क्या मापता है? तो दोस्तों, गोनियोमीटर जो है दो अंगों के जोड़ को मापता है यानी लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। नेक्स्ट है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से। रोवर्स कप, सुब्रतो कप, ये आदि सब किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? दोस्तों, तो भारत में पाए जाने वाले खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार आपका यहाँ पे आसन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब वर्तमान में जब पूछेगा तो अब आपका होगा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार भारत में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 1991-92 में किया गया था और यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। और दोस्तों, 2022 में यह अचंत शरत कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है उनको, एकमात्र खिलाड़ी को दिया गया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में खाए गए आयरन द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो आयरन के द्वारा हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर के समस्त कोशिकाओं में, समस्त शरीर में ऑक्सीजन को भेजता है, जिससे जो है हम जो भी खाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन लेते हैं, उस सब का ऊर्जा में कन्वर्ट ऑक्सीजन के वायवी श्वसन के द्वारा माइटोकांड्रिया में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बिल्मा रुडॉल्फ नामक महिला खिलाड़ी के चर्चित होने का संबंध किस ओलंपिक से है तथा उसका संबंध किस देश से है? तो वह 1960 रोम ओलंपिक से है, 1960 रोम ओलंपिक से है। जैसे कि दोस्तों, बिल्मा रुडॉल्फ जो है 1960 रोम ओलंपिक में एक धाविका थी। इन्होंने ये अपने माँ बाप की 19 औलादों में से 17वें नंबर की थी और ये 4 साल की उम्र में हृदय रोग भी शिकार थी और 11 साल तक ये ठीक प्रकार से चल भी नहीं पाती थी और 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया 11 सेकेंड में और 200 मीटर तथा 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं में से क्या एक लीवर का कार्य नहीं करता? तो दोस्तों, इसमें आपका क्रिकेट का बैट, स्क्रू यानी पेच, बुल यानी जो गोल घूमती है, ये सभी लीवर का कार्य करती हैं, बट हॉकी का बॉल नहीं करता। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी लीवर को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, प्रथम श्रेणी के लीवर को हम संतुलन का लीवर कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के लीवर को बल का लीवर कहते हैं और तृतीय श्रेणी के लीवर को गति का लीवर कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तृतीय प्रकार का उत्तोलक पाया जाता है। नेक्स्ट है, गति के नियम बनाने वाले सर आइजैक न्यूटन निम्न में से क्या थे? तो दोस्तों, यह सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला जड़ता का नियम, दूसरा संवेग का नियम, त्वरण का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक क्रिया द्वितीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है? तो दोस्तों, यहाँ पे जबड़ों का खोलना और बंद होना आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। जैसा कि दोस्तों, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो रेसिस्टेंस यानी भार होता है, बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के, और इसमें सरौता, कूड़ा उठाने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि
पाया जाता है और शरीर में हमारा एग्जाम्पल है प्लांटर फ्लेक्शन यानी पंजे के ऊपर उठना और डिप्स यानी पुशअप लगाना, जबड़े का खुलना बंद होना और बास्केट व वॉलीबॉल में पंजे के ऊपर जंप लेना, ये सभी एग्जाम्पल है आपके द्वितीय प्रकार के लीवर में। फर्स्ट प्रकार के लीवर में आपका एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के, जिसमें आपका कैची प्लास सीसा झूला आदि आता है। हमारे बॉडी में उसका एग्जाम्पल होता है एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म यानी कि अग्रबाहू का एक्सटेंशन और एंकल फ्लेक्शन और तृतीय और सिर का आगे और पीछे झुकना भी आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। वॉलीबॉल में स्मैश करना प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में नाव को चलाना, बेलचे से मिट्टी उठाना, ये सब एग्जाम्पल है। हमारे बॉडी में तृतीय प्रकार का उत्तोलक का एग्जाम्पल है आर्म फ्लेक्शन एंड थाई फ्लेक्शन, हेमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मोड़ना, सीट अप, हाथ को ऊपर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैव यांत्रिकी में किससे है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे समस्त भार कार्य करता है वहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है यानी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है जहाँ शरीर के समस्त भार कार्य करता है। नेक्स्ट है अगर वस्तु हवा में हो तो निम्न में से क्या बदलाव के लिए असंभव है। तो दोस्तों हवा में जब है तो उसके आकृति में वस्तु की आकृति में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों प्लांटर फ्लेक्शन नामक गति सिर्फ शरीर के किस अंग से संबंधित है। दोस्तों तो यह प्लांटर फ्लेक्शन जो है टखने से संबंधित है, उंगलियों पंजों के ऊपर खड़े होना या ऊपर उठना ही प्लांटर फ्लेक्शन कहलाता है, यह हमारे टखने में होता है। नेक्स्ट है हमारी कोहनी निम्न में से कौन सी गति नहीं करती। तो कोहनी दोस्तों एक तरफ ही गति कर सकती है, यह फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर सकती है, एक्सटेंशन कर सकती है, प्रोनेशन कर सकती है, बट घूर्णन नहीं कर सकती। घूर्णन जो है आपका हमारा जो हमारा कंधे का ज्वाइंट है कुल्हे का ज्वाइंट है ये घूर्णन कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ की उंगलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाता है। तो यह इन्वर्सन कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पे एब्डक्शन जो हमारे कंधा है उसको शरीर की पोजीशन से दूर हटाना यानी कंधे को ऊपर कंधे को बगल में उठाना एब्डक्शन कहलाएगा और एडक्शन जो है उसको वापस शरीर की तरफ लाना एडक्शन कहलाएगा और फ्लेक्शन जो है हाथ को मोड़ना फ्लेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है चल संधि के पास जहाँ साइनोवियल नामक तरल पदार्थ पाया जाता है उस कैप्सूल को क्या कहते हैं। तो उसको फाइबर्स कैप्सूल कहा जाता है। नेक्स्ट है दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर की गेंद अंदर यानी लेग स्टंप पर न जाकर बाहर ऑफ स्टंप पर जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्रिकेट में दूसरा बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि शकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के जो दूसरा नामक गेंदबाजी के आविष्कारक हैं। कौन है दूसरा नामक गेंदबाजी के आविष्कारक? शकलैन मुश्ताक, वो पाकिस्तान के हैं। और दूसरा का गुरु मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका को माना जाता है। इस तरह की गेंदबाज हरभजन सिंह और सेन वार्न भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण में ऊर्जा कोशिका में कहाँ बनता है। तो दोस्तों एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण में ऊर्जा जो है वह कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में बनता है। यहाँ सारकोप्लाज्म नहीं होगा दोस्तों, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। और उसके बाद एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो है ऊर्जा कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में बनता है और एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। एनारोबिक के द्वारा 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है और एरोबिक यानी वायवीय श्वसन क्रेब्स चक्र में जो हम माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है वहाँ 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रकार एक ग्लूकोज के जरर से कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन यूनान से संबंधित नहीं है। यहाँ पे टाइगेस पर्वत, पिंडार, कोलेजियम संबंधित है। यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन यूनान से संबंधित नहीं है। तो आपका पैलेस्ट्रा, टाइगर्स पर्वत, पिंडार, ये सभी
यूनान से संबंधित है, बस कोलेजियम नहीं है संबंधित। ठीक है, टाइगेस पर्वत पर पहले जो स्पार्टा में होता था, जो बच्चे कमजोर जन्म लेते थे उनको टाइगेस पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। पिंडार एक कवि होता था जो प्राचीन ओलंपिक में विजेता टीम के गुणगान गाता था। तो दोस्तों ये है आज के 50 क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह आप क्वेश्चन देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, आपको असीम सफलता मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।